दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ टिप्स जिससे आपके खाने बनाने की जो प्रिपरेशन है उनको थोड़ी जल्दी हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि जब हम खाना बनाने जाते हैं तो बनाने में उतना वक्त नहीं लगता है जितनी उसकी प्रिपरेशन में लगती है। तो सबसे ज़्यादा समय लगता है लहसुन छीलने में। तो लहसुन को मैंने 3 तरीके से आसानी से कैसे छील सकते हैं वो इस वीडियो में शेयर की है, तो एंड तक ज़रूर देखें। मार्केट में हमें सीजन के मुताबिक 2 टाइप्स के लहसुन मिलते हैं, एक नया और दूसरा पुराना। जो पुराने लहसुन होते हैं उसमें ज़्यादा नमी नहीं रहती, उसकी स्किन भी अच्छे से ड्राई हुई रहती है और निकालने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। जब नए लहसुन की बारी आती है तो उसकी स्किन लहसुन की कलियों के साथ चिपकी हुई रहती है और निकालने में काफ़ी दिक्कत होता है। तो इसलिए मैं आज आपके लिए 3 तरीके से लहसुन की छिलके कैसे निकाले जाए उसकी वीडियो लेके आई हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और मैं जो 3 तरीके बताऊंगी उसमें से आपको कौन सा तरीका पसंद आया और कौन सा तरीका आप यूज़ करना चाहोगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है उसके लिए मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो कि बाउल में पानी लिया है और पानी थोड़े ज़्यादा मात्रा में ही लें ताकि आपकी जो लहसुन की कलियाँ आप उसमें रखोगे वो अच्छी तरह से डूब जाएं। पानी हल्का सा गुनगुना हो या नॉर्मल वाटर हो कैसा भी आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पे हल्का सा गुनगुना वाटर लिया है। इसके साथ मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 1 छोटा चम्मच खाने का सोडा। अब सोडा क्यों? सोडे से जो स्किन है वो फूल जाती है और हमें स्किन निकालने में आसानी होती है। मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मैंने यहाँ पे जो लहसुन ली है वो नए लहसुन है और जिससे स्किन निकालने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है। केवल 5 मिनट हुआ है मुझे इसमें पानी में रखे हुए और देखिए मैं हल्के हाथ से इसे रब कर रही हूँ और इसकी स्किन निकल आ रही है। अब जितने ज़्यादा समय तक इसे पानी में रख सको आपको लहसुन छीलने में उतनी ही ज़्यादा आसानी होगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसे हल्का सा गुनगुना पानी में रख दीजिए। और बेकिंग सोडा नहीं है फिर भी कोई बात नहीं, गुनगुने पानी में इसे 10 से 20 मिनट या आधा घंटा आपके पास जितना समय है उतना आप रखिए। फिर दोनों हाथ में लेकर इसे इस तरह से रब कीजिए। जैसे आप रब करोगे वैसे ही आपकी जो लहसुन की स्किन है लहसुन से अलग हो जाएगी और आप कुछ मिनटों में ही ढेर सारी लहसुन की कलियां छिलकर रेडी कर पाओगे। अब जो मैं आपको तरीका बताने जा रही हूँ ये मेरा फेवरेट है और जब कभी मुझे ढेर सारे लहसुन छिलने होते हैं तो मैं यही तरीका यूज करती हूँ। उसके लिए पहले मैंने लहसुन को इस तरह से अलग कर लिया है। मीडियम फ्लेम पर पैन को अच्छी तरह से गर्म करें, फिर हम इसमें लहसुन की कलियाँ रखें आपको जितनी चाहिए और इसे खाली गर्म करना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। इसकी जो स्किन है वो गर्म होनी चाहिए, ये 30 सेकंड या 40 सेकंड में हो जाता है। फिर गैस का फ्लेम बंद कर दें और इसे अच्छे से ठंडा होने के लिए रख दें। देखिए ये भी ठंडा हो गया है, हल्का सा ठंडा हुआ है और मैं हाथ में लेकर इसे हल्के हाथ से रब कर रही हूँ और आप देख सकते हो कि इसकी जो स्किन है वो अलग होने लगी है। देखिए स्किन अलग हो गई, हमें ज़्यादा मेहनत करना भी नहीं पड़ा। आप चाहे तो दोनों हाथ के बीच में लहसुन की कलियाँ को रखकर इस तरह से रब करोगे तो और भी ज़्यादा जल्दी से हो जाएगा। देखिए इस तरह से आप ढेर सारे यानी 2 से 3 किलो लहसुन भी आप 2 मिनट में छील कर रेडी कर लोगे। ये तरीका मेरा फेवरेट इसलिए है क्योंकि इसके लिए ज़्यादा समय नहीं लगता है, ना ही पानी लेने की ज़रूरत है ना ही कुछ करने की। बस जो भी गर्म चीज़ है, जब आप रोटी बनाते हो तो तवा गर्म रहता है तो उस गर्म तवे पर आप लहसुन की कलियाँ रख दें, वो अपने आप गर्म हो जाएगी और उसके बाद आप आसानी से इस तरीके से छिलका निकाल सकते हो। और जो तीसरा तरीका है उसके लिए मैंने ये लहसुन लिया है। अब मैं इसे 10 से 15 मिनट तक फ्रीजर में रखूँगी। पंद्रह मिनट हो गए हैं, अब इसे हम फ्रीजर से निकाल लेते हैं। अब इसमें ये जो इसका बीज का भाग है इसे हमें छुरी की मदद से निकालना है। इसे थोड़ी ताकत लगती है लेकिन बाद में लहसुन आसानी से निकल जाती है। ये बीज का भाग अगर निकल गया तो लहसुन बहुत ही आसानी से निकल जाएगी।
देखिए मैंने इसे बीच का भाग निकाला है और जब बीच का भाग निकाला तो इसके साइड साइड की जो लहसुन की कलियां हैं उसके भी ऊपर की जो टफ भाग रहता है वो निकल गया है। अब आसानी से आप लहसुन को छील सकोगे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रीजर में रखने से क्या हुआ, इसकी जो स्किन है वो थोड़ी सी हार्ड हो गई है, यानी जमने जैसे हो गई है, और जो भी चीज़ जमती है तो वो हार्ड हो जाती है उसकी बाहर की आउटर कवर, तो इसकी भी आउटर सरफेस हार्ड हो गई है जिससे हमारी स्किन काफ़ी आसानी से निकल आ जाती है। तो ये थे तीन अलग प्रकार के छिलके निकालने के तरीके। इसके अलावा जब आप नॉर्मली लहसुन भी छीलते हो उसके लिए मैं कुछ कहना चाहूँगी। आपको पता ही होगा, फिर भी जिन्हें नहीं पता है उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ, आप जब कभी भी लहसुन छीलते हो तो ये लहसुन का ऊपर का जो भाग है पहले इसे निकालें और हमेशा छुरी की मदद लें जिससे आपको बहुत ही आसानी से छिलके निकालने में मदद मिलेगी। और उसके नीचे का हिस्सा भी इस तरह से निकालें, यानी ऊपर का टफ हिस्सा निकाला, नीचे का भी निकाला। अब आप इस तरह से देखिए स्किन कितने आसानी से निकल आएगी। अगर आप नॉर्मल तरीके से भी लहसुन छीलोगे तो इस टिप को जरूर याद रखें। देखिए मैं और एक बार बता रही हूँ कि अगर आप नॉर्मली लहसुन छीलते हो तो सबसे पहले ये जो ऊपर का टफ हिस्सा है इसका, उसे निकाल लें छुरी की मदद से ऐसे, और उसके बाद इसके जो नीचे का हिस्सा है उसे भी काट लें जिससे आपको लहसुन के छिलके निकालने में बहुत ही आसानी होगी। तो आपको मेरी ये टिप्स, ये तरीके कैसे लगे अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।